हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सो ये जो चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 2 हमारी बुक हनीसकल का। तो चलिए भाई लोग जान के करते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। सो जो डॉग्स थे वो पहले अपने खुद के मास्टर्स हुआ करते थे और वो वैसे ही रहा करते थे जैसे वुल्फ्स रहते थे। अब वुल्फ कौन होते हैं भाई? वुल्फ होते हैं भेड़िए। और वो कैसे रहा करते थे? फ्रीडम में, मतलब अपने खुद के वो बॉस थे। तो यार ये तब तक चलता था जब तक एक डॉग पैदा हुआ था, और जो वो डॉग था ना वो बहुत ही दुखी था। अब वो भाई दुखी क्यों था? वो अपनी वे ऑफ लाइफ, मतलब जैसे वो जी रहे थे उससे वो दुखी था। वो बीमार सा था और वो थक गया था कि यार कहाँ घूमू अपने आप खाने के लिए। तो उसको ना यार एक आइडिया आया कि यार एक ऐसा काम करते हैं कि जो उससे ज्यादा तगड़ा है, जो उसके ज्यादा पावरफुल है, उसका वो जाके सर्वेंट बन जाए। तो किसका सर्वेंट बनना था उसने? एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसा जानवर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब धरती के उस ऊपर कोई उससे ज्यादा तगड़ा ना होए। तो ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए वो चल पड़ा। तो वो चलता रहा भाई, चलता रहा, तब जाके उसे एक किन्समैन ऑफ हिज, किन्समैन का क्या मतलब होता है? किन्समैन होता है जो अपने खून का, मतलब अपनी बिरादरी का, अपनी साथ का। तो वो अपनी साथ का कौन था? एक बड़ा सा वुल्फ, एक भेड़िया मिला उसे जो बहुत ही ज्यादा बड़ा सा और एक तगड़ा था और बहुत ही ज्यादा फियर्स था, मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। तो वो भाई भेड़िया पूछता है यार कि डॉग भाई क्या कर रहे हो? भाई भेड़िया था उसने पूछा। तो वो आगे से जवाब देता है कि मैं एक ऐसे पर्सन की खोज में हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूं, जिसके लिए मैं काम कर सकूं, तो क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? मतलब वुल्फ को कहता है वो। तो वुल्फ कहता है कि मेरे को तो नहीं दिख रहा कि क्यों नहीं। तो भाई वो लग गए इकट्ठे और वो चल पड़े। तो वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो तभी जो वुल्फ था उसने अपनी नाक को ऊपर किया, उसने स्निफ किया, स्निफ किया मतलब स्मेल किया अपनी नाक से, और फटाफट से भाई भाग के वो जाके झाड़ियों में छुप गया और जंगल के और गहरे जंगल में चला गया। तो जो डॉग था वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। तो वो कहता कि क्या बात हुई मास्टर जी, भाई क्या बात होगी, इतना डर क्यों गए आप? तो भाई वो भेड़िया कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा भाई, वहां पे एक भालू है और अगर वो हमें दिख गया तो वो हमें भाई खा जाएगा, तो भाई जान बचा के निकल लो। तो भाई जब उसने ये देखा कि उसका जो मालिक भेड़िया था वो तो ढाल भालू से डर गया, तो मतलब भालू ज्यादा तगड़ा था, तो वो उसको छोड़ के, किसको? वुल्फ को छोड़ के वो चला गया भालू के पास और उसने कहा कि भाई मेरे को आप अपना सर्वेंट बना लो और मैं आपके लिए काम करूंगा। तो जो बियर था वो भी भाई खुश हो गया, उसे भी कंपनी मिल गई। तो वो कहता ठीक है चलो आगे जाके चलते हैं, वहां पे एक काउस का हर्ड है, मतलब गाय का हर्ड है आगे, पूरा झुंड है, तो वहां से एक गाय को निकाल के हम अपना नाश्ता कर लेंगे। तो भाई वो भालू और डॉगी चल पड़े आगे। तो जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां काउस का मतलब गाय की हर्ड तो थी, झुंड तो था, पर वो जो थे ना वो एकदम से चलते जा रहे थे तो एकदम से रुक गए और एक आवाज आई, टेरेबल सी आवाज आई, मतलब खतरनाक सी आवाज आई, और जो वो गाय थी वो जाके मू करने लग गई बहुत जोर से और भागने लग गई। भाई पैनिक में तो ऐसी क्या चीज आ गई कि पैनिक हो गए भाई वो गाय। तो भाई जो भालू था उसने पेड़ के ऊपर से चढ़ के देखा और उसने भी बहुत जोर से भागना शुरू कर दिया जंगल के बीच में। तो भाई ये देखो भाई यहाँ पे भालू भाई हैं और डॉगी भाई हैं, तो ये गाय का हर्ड है और ये भागने लगी हैं। अब क्यों भागने लगी हैं? सो वो कहते हैं नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर। ये भालू कहते हैं कि भाई मेरे को यहाँ आने की क्या जरूरत थी भाई, डॉगी के सामने कहता है वो। तो वो कहते हैं ये तो शेर आ गया है जो इस पूरे जंगल का राजा है। तो शेर वो क्या है? तो डॉगी पूछता है भालू से। तो वो कहता है, भालू कहता है कि यार तुम्हें नहीं पता वो सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है पूरे धरती पे। तो भाई वो डॉगी तो कहता है पर चलो भाई फिर, है ना, राम राम, मैं चलता हूँ आगे और मैं उसका मास्टर बनूंगा जो सबसे ज्यादा तगड़ा है, तुम भाई मैं चलता हूँ यहाँ से। तो भाई ये सुन के वो आगे चल पड़े। फिर अब जो डॉग था वो जाके चलता है लॉयन के पास और वो कहता है कि सर आप मेरे को अपना मास्टर बना लो, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो जो लॉयन था वो भाई कहता है हाँ भाई ठीक है। तो वो आगे चल के उसकी सेवा करने लग गया और बहुत ही लंबी लंबी देर तक उसकी सेवा करने लग गया। बहुत ही मस्त लाइफ थी यार, क्या था, खाना पीना था, कोई कंप्लेन नहीं थी, किसी चीज की शिकायत नहीं थी, क्योंकि शेर से ज्यादा तो कोई तगड़ा था ही नहीं जंगल में, और जो शेर था उसके साथ रहने के कारण कोई डॉगी को तंग करता ही नहीं था। तो बढ़िया सी लाइफ चल रही थी। तो आगे जाके क्या हुआ कि वो दोनों एकदम चल रहे थे एकदम जंगल के साइड पे एक पाथ पे, तो तभी एकदम से वो एक अमेड बेयर क्लिफ्स, मतलब एक क्लिफ जो होता है एक ऊपर ऊंचाई पे, उसके पास जब वो पहुंचे तो एकदम से जो लॉयन था जो शेर था वो भाई रुक गया। तो भाई अब वो क्यों रुका? उसको एक बहुत ही जोर से उसने दहाड़ दी और इतनी जोर से अपना पंजा नीचे मारा कि वहां छेद हो गया जमीन में।
तो भाई फिर वो वापस की तरफ मुड़ने लग गया बहुत ही शांति से, और फिर वो पीछे को चलने लग गया। तो डॉगी पूछता है, व्हाट इज इट मास्टर, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग, कि भाई साहब क्या हो गया सर, क्या आप मतलब रुक क्यों गए ऐसे, कुछ गलत तो नहीं? तो वो डॉग हैरान था भाई कि यार क्या हो गया, तो तगड़ा बंदा था। तो आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, शेर ने कहा डॉगी को, वीड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल। तो कहते भाई भाग लो यहाँ से, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सो ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो वो डॉगी कहते जी आपको भी जी राम राम, मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि मैं तो उसका सर्वेंट बनना है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, धरती पे सबसे ताकतवर है। तो भाई वो जाके पहुंच गया डॉग अब इंसान के पास, एंड ही स्टेड विद हिम, मतलब अब हमारे साथ इंसान के साथ वो एकदम लॉयल है और फेथफुली, मतलब पूरे विश्वास के साथ, मतलब वो हमारी सेवा करता है। सेवा भाई ऐसे तो नहीं कि झाड़ू पोछा लगाता है, पर हाँ हमें तो नहीं छोड़ के किसी और जानवर के पास तो नहीं गया। तो भाई ये बहुत ही लंबे समय पहले की बात थी, और आज भी जो मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट है और कोई और उसका मास्टर नहीं है। तो भाई जब तक एलियन नहीं आते तब तक तो हम बिल्कुल शांति से रह सकते हैं, और अभी लगता तो नहीं कि बहुत जल्द आने वाले हैं एलियन, तो तब तक के लिए यार हम उसने डॉग को खूब प्यार से रखते हैं। तो यार इसी के साथ होता है इस वीडियो का एंड। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर भी पसंद आई है तो भाई लाइक ठोको, और अगर बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है तो भाई सब्सक्राइब ठोक दो। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे एंड बाय दोस्तों।